और तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरा वीज़ा वैलिड है 29 तक और आज है 25, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा ये भी सोच रहा हूँ ऐसा ना हो कि वापस भेजते हैं। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है। तो सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस और आगे आ रहा है वीकेंड, और वीकेंड में नॉर्मली तो मैं यूके में किसी सिटी में जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा प्लान चेंज है क्योंकि इस बार मैंने कहा है कि 2 days ऑफ है, एटलीस्ट 2 countries तो बनते हैं घूमने के लिए। तो प्लान यूँ है कि इस बार मैं बाय एयर तो नहीं जा रहा, तो मेरा प्लान है कि मैं बाय रोड यहाँ से यूके से पहले फ्रांस जाऊँ और फ्रांस से बेल्जियम जाऊँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हम यूके से फ्रांस बाय रोड कैसे जा सकते हैं, कितना एक्सपेंस आता है, क्या प्रोसेस है, और ये इजी कितना है और इंटरेस्टिंग करते हैं। चले चलते हैं, पहले मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस के बाद जो है फिर अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। अभी मैं बस स्टेशन पे खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ बस का। बस ऑलमोस्ट 2 minutes बाद आएगी। अभी मैं ऑफिस जाऊंगा और 9 to 5 मेरा ऑफिस होगा। 5 o'clock के बाद मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूँगा, वहाँ से बाय रोड डोवर जाऊंगा, डोवर जो कि आखिरी सिटी है यूके का, और वहां से फेरी लेके हमें जाना पड़ेगा दूसरी साइड यानी कि फ्रांस में। सो इस वक्त मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं और 9 to 5 o'clock मेरी जॉब है, और 5 o'clock मैं निकलूंगा यहां से डोवर, डोवर जो कि लास्ट सिटी है यूके का, और यहां से ऑलमोस्ट लंदन से लगेगी मुझे 2 hours, और वहाँ से मैं लेऊंगा फेरी और जाऊंगा फ्रांस। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो गाइज, मैं अभी निकल चुका हूँ ऑफिस से, मुझे लगेंगे ऑलमोस्ट 2 hours डोवर पहुँचने के लिए, और डोवर से हम लेंगे फेरी और हम जाएंगे फ्रांस। और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त आसफ भाई, और ये अभी ड्राइव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से 2 hours लगेंगे और हमारी फेरी का टाइम है ऑलमोस्ट 10 o'clock, जो कि रात के 10 o'clock पे हमारी वो निकलेगी। तो चलें चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं डोवर और यहां पे हो गए मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक, और फिर मैं जाऊंगा फेरी में। और तो यहां पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरा वीज़ा वैलिड है 29 तक और आज है 25, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा ये भी सोच रहा हूँ ऐसा ना हो कि वापस भेजते हैं, पर होपफुली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं एयर ट्रेवल किया था तब भी मेरा वीज़ा इतने दिन नहीं वैलिड था। तो चले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस, सीन ऐसा है कि मैं अभी इस वक्त क्यू में लगा हूँ और अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, तो मुझे टेंशन लगी हुई है क्योंकि मेरा 4 days तक मोर वीज़ा वैलिड है। और मेरे साथ है आसफ भाई, और इनके लिए ये इतना ही स्माइली से दिखा रहे हैं क्योंकि इनके पास है ब्रिटिश पासपोर्ट। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, चले। सो गाइस, मेरे फेस से आप देख रहे हैं मैं काफी खुश हूँ, उसकी रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पासपोर्ट मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट को भी उन्होंने जाने दिया, किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया, बस उन्हें स्टैंप लगाई, 3-4 दिन का वीज़ा पड़ा हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अभी मैं फेरी की तरफ जा रहा हूँ। हमारे पास 3 options है फेरी के यहाँ पे, एक है DFTs, एक है आयरिश और एक है PNDS, और जो हमने करवाई है वो DFT है, और हमारी अमाउंट जो इस पर लगी है वो ऑलमोस्ट 99 pounds लगे हैं रिटर्न के। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 hours लगेंगे फेरी में फ्रांस जाने के लिए। तो चले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, हमें ये पास मिल चुका है फेरी का, और इसका नाम है DK40, और हमें जाना है ये सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं 40 क्यू में जाना है, और यहाँ से हमारी जो है फेरी आएगी और हम उसमें जाएंगे। DK मीन डन क्रिक, क्योंकि हम जा रहे हैं फ्रांस के सिटी डन क्रिक में। सो गाइज, अभी मैं डोवर में हूँ और यहाँ पे गाड़ी लगाई है, और अभी जस्ट वेट कर रहे हैं फेरी का, वो इधर से आएगी, और ऑलमोस्ट 10 o'clock हैं और अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे हुए हैं 8:30, और हमें ऑलमोस्ट 1.5 hours वेट करना पड़ेगा, और 1.5 hours बस ये पार्किंग ही घूम सकते हैं, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं है। डोवर में काफ़ी कुछ देखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात भी है, पार्किंग में भी खड़े हैं, इमिग्रेशन वगैरह भी हो चुकी है, तो अब ये नहीं है कि हम वापस जा सकते हैं। सो इसलिए बेस्ट है कि 1.5 hours वेट करते हैं, और मौसम भी थोड़ा
ठंडा ठंडा लग रहा है। नॉर्मली यहाँ पे तो अभी समर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सी साइड है, तो इस वजह से काफ़ी हवा चल रही है और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है। तो गाइज जो फेरी है वो चल पड़ी है, और जो मैं इस वक्त हूँ फोर्थ फ्लोर पे, इसके ऑलमोस्ट फोर फ्लोर हैं, और हर फ्लोर पे आपके लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट जो हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसा कि आप फूड वगैरह कुछ खा सकते हैं, जैसा कि अगर आप गेम्स खेलना चाहें तो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, अदर फैसिलिटीज़ हैं। और ये मैं ओपन एरिया में हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, ये डोवर को हमने पीछे छोड़ दिया अभी, और यहाँ से मुझे लगेगा 2 आवर और मैं जाऊँगा फ्रांस के सिटी डेनकॉर्ट में। सो, जैसा कि आप देख सकते हैं हम डनक्रिक के लिए निकल चुके हैं। डनक्रिक जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्रांस का सिटी है एक, और ये पीछे जो है मेरे यूनाइटेड किंगडम का लास्ट सिटी जो कि डोवर है। और यहाँ से आप 2 सिटी में जा सकते हैं फ्रांस के, एक जो है वो कैले है, उसको यहाँ से लगेंगे 1.5 आवर, और दूसरा जो सिटी है वो है डनक्रिक, और वो लगेंगे ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं है, पीछे आपके देख सकते हैं सिर्फ आसफ भाई हैं और मैं हूँ, और हम जस्ट 2 आवर्स जो हैं यहीं पर रहेंगे, कुछ यहाँ से देखेंगे, आपको नीचे से भी दिखाएंगे कि किस तरह का है एनवायरनमेंट यहाँ का, और चले चलते हैं देखते हैं क्या होता है। सो गाइज इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 आवर और मैं अभी ये फेरी के अंदर ही एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 आवर और लगेगा, लेकिन रात के ऑलमोस्ट हो चुके हैं 11 और हमें बजेंगे 12 पहुँचते पहुँचते, और आगे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जो है वो ड्राइव है होटल में पहुँचने के लिए। तो थक चुका हूँ मैं वैसे तो, लेकिन इंजॉय कर रहा हूँ, बट रात का टाइम है, अगर आप दिन के टाइम फेरी में आएंगे तो फिर आपको ज़्यादा व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि रात की वजह से हर तरफ अंधेरा अंधेरा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर अंदर बैठा हुआ हूँ। सो गाइज़ इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं फ्रांस डनक्रिक में, और अभी दोबारा से गाड़ी में जाएंगे, और ये जो शिप है यहां से बाहर निकलेंगे, और सबसे पहले मुझे जाना है होटल में, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत थक चुका हूं और रात के 12 बज चुके हैं, सॉरी 1 o'clock हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है अपना होटल, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 1/2 आवर और लगेगा, और मिलते हैं अब होटल जाके। सो ये होटल का रूम है, यहाँ पे टॉयलेट है, और अगर मैं आऊँ इस साइड पे तो ये 2 बेड्स हैं लगे हुए हैं, सिंगल बेड्स, यहाँ पे कुछ कॉफ़ी वगैरह रखी गई है, कॉफ़ी वगैरह अगर हमने लेनी हो तो कुछ यहाँ पे ये रखी गई है, और साथ में ये जो है हमारे पास व्यू है इसका कुछ आ रहा है, जो कि अभी रात है, रात के टाइम नहीं आ रहा क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को देख पा रहा हूँ। तो ओवरऑल हम इसके सिर्फ 60 पाउंड्स दिए थे, और पार्किंग वगैरह भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, 2 पाउंड्स इन्होंने आते हुए टूरिस्ट टैक्स लिया है जो कि नॉर्मली लेते होते हैं। तो ओवरऑल 60 पाउंड्स प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा रूम है, हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म 3-4 आवर्स स्टे करेंगे, और सुबह 6 o'clock उठेंगे, और उठते ही हमें जाना है बेल्जियम की तरफ फ्रांस को क्रॉस करते हुए। तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल सुबह मिलते हैं।